हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज अपडेट पल पे स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका टूर ऑफ इंग्लैंड T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों T20 सीरीज का प्रीव्यू करने वाले। आप लाइव कहां पे देख सकते हो, दोनों टीम की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, साथ में ग्राउंड पिच क्या, सब कुछ आपको इसी वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हो न्यूज अपडेट पर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको T20 सीरीज में मैच टॉस सेशन की कंफर्म रिपोर्ट चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां जाके दोस्तों व्हाट्सएप करें। इनका काम काफी अच्छा है दोस्तों, काफी कमाल का है, एक बार जाके ट्राई करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, लंका में इंग्लैंड के मध्य टोटल 3 T20 मैच मुकाबले खेले जाएंगे। फर्स्ट T20 मैच मुकाबला 23 जून को खेला जाएगा, फिर सेकेंड T20 मैच मुकाबला 24 जून को खेला जाएगा, फिर अंतिम या थर्ड T20 मैच मुकाबला 26 जून को खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 सीरीज के बाद दोनों टीम के मध्य टोटल 3 ODI मैच मुकाबले भी खेले जाएंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से दोनों टीम की प्लेयर लिस्ट देख लेते हैं। इंग्लैंड टीम की बात की जाए तो इंग्लैंड टीम की ओर से आपको बल्लेबाजी में इवन मॉर्गन, डेविड मालान, जसन रॉय, जोस बिटलर खेलते हुए दिखाई देने वाले। वहीं इंग्लैंड टीम की ओर से दोस्तों विकेट कीपर की जिम्मेदारी जोनी बेस्टो के कंधों पर रहने वाली है। वहीं इंग्लैंड टीम की ओर से दोस्तों ऑलराउंडर का जिम्मा मोहन अली, सैम करन व टॉम करन के कंधों पर रहने वाला है। वहीं दोस्तों इंग्लैंड टीम की ओर से बॉलिंग की जिम्मेदारी मार्क वुड, अदिल राशिद व क्रिस जॉर्डन के कंधों पर है। बात की जाए दोस्तों लंका टीम की प्लेयर लिस्ट की तो लंका टीम की ओर से बल्लेबाजी में आपको खुशाल मेंडिस, अविस्का फर्नांडो, ओस्तादो फर्नांडो, रमेश मेंडिस जैसे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाले। वहीं दोस्तों यहाँ पे विकेट कीपर की जिम्मेदारी कुशाल पेरेरा के कंधों पे। वहीं ऑलराउंडर का जिम्मा दोस्तों लंका टीम की ओर से रहने वाला है इसरू उड़ाना, धनस नगा गुना थिलका व निंदु असरंगा पे। वहीं बॉलिंग की जिम्मेदारी दोस्तों लंका टीम की ओर से नुवान प्रदीप, अखिला धनंजय व सुमंता समेरा के कंधों पे रहने वाली है। ये थी दोस्तों दोनों टीम की प्लेयर लिस्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड व लंका के मध्य T20 सीरीज के तीनों T20 मैच मुकाबले 2 ग्राउंड पे खेले जाएंगे। फर्स्ट व सेकेंड T20 मैच मुकाबला सोफिया गार्डन्स कार्डिफ ग्राउंड पे खेला जाएगा। यहाँ पे अभी तक दोस्तों टोटल T20 के 6 इंटरनेशनल मैच मुकाबले खेले जा चुके। फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दोस्तों 2 मैच में जीत दर्ज किए, फिर सेकेंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच में जीत दर्ज किए। दोस्तों, ग्राउंड पे T20 इंटरनेशनल का एवरेज स्कोर 150 रन है। थर्ड T20 मैच मुकाबला दोस्तों देरोस बाउल में खेला जाएगा। यहाँ पे अभी तक टोटल T20 इंटरनेशनल मैच मुकाबले 8 खेले जा चुके। फर्स्ट व सेकेंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दोस्तों 4-4 मैच मुकाबलों में जीत दर्ज किए। ग्राउंड पे दोस्तों T20 इंटरनेशनल का एवरेज स्कोर 166 रन है। ग्राउंड का हाई स्कोर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के नाम 248 रन है। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 सीरीज में मैच विनर टॉस विनर टीम के साथ में ग्राउंड पिच रिपोर्ट का वीडियो भी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल सके। T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट व लाइव स्ट्रीमिंग आप इंडिया के अंदर देखना चाहते हो तो दोस्तों इंडिया के अंदर आप सोनी नेटवर्क पे देख सकते हो। वही लाइव स्ट्रीमिंग दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन के अंदर सोनी लिव ऐप पे देख सकते हो। दोस्तों, इंग्लैंड व श्रीलंका का T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड व श्रीलंका टीम अभी तक T20 के अंदर टोटल 9 मैच मुकाबले आपस में खेल चुकी है। इंग्लैंड टीम ने 5 मैच मुकाबलों में जीत दर्ज किए, वहीं श्रीलंका टीम ने दोस्तों 4 मैच मुकाबलों को अपने नाम किया है। आपको बता दें कि दोस्तों दोनों टीम के मध्य फर्स्ट T20 मैच मुकाबला 2006 में खेला गया था, वहीं अंतिम T20 मैच मुकाबला 2018 में खेला गया था। क्या दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बता दें कि फर्स्ट मैच मुकाबले के प्रिडिक्शन का वीडियो भी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए।